शाजापुर के गुलाना के तिंगजपुर संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। अहरवाल समाज द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में नगर के बुजुर्ग महिला और पुरुष झूमते नजर आए। इस दौरान मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार, सरपंच प्रतिनिधि रामप्रसाद मेवाड़ा मौजूद रहे। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े पिकअप से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में कार में सवार माँ बेटी घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के पर खच्चे उड़ गए। हालांकि कार का एयरबैग खुलने से एक बड़ा हादसा टल गया। शमशाबाद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए मोहनपुरा के कॉलेज में यूजी और पीजी के विषय पर जनभागीदारी की राशि की जाँच करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महितपुर विधानसभा के गांव ढाबलासिया से विकास यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह चौहान द्वारा ग्रामीणों का विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान 70 लाख के 13 कार्यों का लोकार्पण और 90 लाख के 4 कार्यों का भूमि पूजन किया। पोलाईकला में भी विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा का वार्ड क्रमांक 1 से आगाज हुआ, जो कि नगर के 15 वार्ड में भ्रमण कर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना व विकास कार्यों की जानकारी देगा। धार के कुक्षी में चल रही शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। 30 जनवरी से ग्राम भवरिया में कथा का वाचन विदुषी अंजलि जोशी के मुखारविंद से किया जा रहा था। कथा के समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। शोपुर के विजयपुर में संत रविदास जयंती सेवा दिवस के रूप में मनाई। आयुष विभाग द्वारा आयुष मेले का आयोजन कर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही डॉक्टरों ने मरीजों को उपचार के बाद निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया। बड़वाहा में संत रविदास महाराज की 646वीं जयंती मनाई गई। संत रविदास युवा एकता समिति द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे झूमते नजर आए। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां संविधान निर्माता पर माल्यार्पण कर समापन किया।